सिरसा के ओड़ा में आईटीआई के 3 छात्रों की 11,000 वोल्ट के करंट से झुलसकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सुबह से ही बिजली गई हुई थी, जिसे ठीक करने के लिए वे प्रयत्न कर रहे थे। इसी बीच उन्हें झटका लगा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। छात्रों के नाम लवप्रीत, जो जंडियाला का रहने वाला है, इंद्रपाल और रमेश बताया जा रहा है। 4 बच्चों को करंट लगा है। बच्चों ने एक्सपेरिमेंट करना था यहाँ पे। वो एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो स्टैंड है, स्टैंड को उन्होंने जैसे ही मतलब कि उनको घसीटने की कोशिश की, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक वायर के नीचे था, तो उसमें एकदम करंट आ गया। करंट आने की वजह से 4 बच्चे को काफ़ी ज़्यादा करंट लगा है, इवन बर्निंग कंडीशन के अंदर है। वो आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, जो भी एविडेंसेज होंगे अकॉर्डिंगली पुलिस को एडवाइस दी जाएगी। बहुत दुखदाई दुर्घटना है और इसमें हमारे आईटीआई के 2 आउटसोर्स के कर्मचारी थे जो झुलस गए और अब नहीं रहे, और एक स्टूडेंट भी उसमें भगवान को प्यारा हो गया। एक स्टूडेंट है जो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है और उसको सिविल हॉस्पिटल से सर रेफ़र तो किया है, पर कोशिश कर रहे हैं कि उसको वहाँ से भी पीजीआई रेफ़र कर दें ताकि उसकी जो ज़्यादा मदद हो सके वो हम दे पाएँ। उसके अलावा ये सुबह सुबह कुछ स्टूडेंट्स एक स्ट्रीट लाइट ठीक करने के लिए जा रहे थे, जिसके लिए वहाँ एक लोहे की सीढ़ी थी, जिसको जब वो स्ट्रीट लाइट की तरफ ले जाने लगे तो उसका बैलेंस बिगड़ने के कारण वो एक हाई वोल्टेज लाइन वहाँ से जा रही है, जिससे वो जिसके प्रभाव में आ गए और करंट से तत्काल 3 लोगों की मौत हो गई और एक झुलस के क्रिटिकल कंडीशन में अभी अस्पताल में।